हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस नर्सिंग केयर रिपोर्ट। आज हम आपके सामने नई डिजीज वो है स्मॉल पॉक्स, इसके बारे में पूरी डिटेल से पढ़ते हैं। पिछली वीडियो मैंने डाली थी जर्मन मीजल्स, आई होप आपने पूरी देखी होगी और आई होप करता हूँ कि आपने भी स्मॉल पॉक्स को पूरा देखोगे। क्लियर, हम आज पढ़ते हैं किसके बारे में, स्मॉल पॉक्स के बारे में। स्मॉल पॉक्स को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। क्लियर, अब उसके बाद हम बात करते हैं स्मॉल पॉक्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। स्मॉल पॉक्स का रहना कौन सी माता बोलते हैं, बड़ी माता बोलते हैं। कौन सी माता बोलते हैं, बड़ी माता। क्लियर, बड़ी माता बोलते हैं, याद रखना स्मॉल पॉक्स से छोटी माता नहीं, कौन सी, बड़ी माता बोलते हैं। ये दिमाग को फटवटा के रखना, मैं यूट्यूब को लाइव करने की कोशिश करूंगा, एक दो दिन में आपके सामने लाइव चलाएंगे ताकि आपको चीज साथ साथ क्लियर होती चले और आप लाइव देखोगे तो आपको और बेनिफिट मिलेगा। क्लियर, अब बात करते हैं स्मॉल पॉक्स को हम और किस किस नामों से जानते हैं। स्मॉल पॉक्स आल्सो नोन एज, स्मॉल पॉक्स आल्सो नोन एज बेरियोला। किस नाम से जानते हैं हम स्मॉल पॉक्स को, बेरियोला नाम से जानते हैं और रेड प्लेग के नाम से भी जानते हैं। किससे, रेड प्लेग, रेड प्लेग के नाम से भी जानते हैं और बेरियोला, क्योंकि जो बेरियोला वायरस होता है वो डीएनए वायरस होता है जो किसका है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। किसका, स्मॉल पॉक्स का। क्लियर, तो स्मॉल पॉक्स को हम किस किस नाम जाने, बेरियोला नाम जान रहे हैं, रेड प्लेग के नाम से जान रहे हैं। क्लियर, और बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स कौन सी डीज है, स्मॉल पॉक्स कौन सी डिजीज है, रेस्पिरेटरी डिजीज होती है। स्मॉल पॉक्स इज एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस। ये दिमाग में रखना, ये बीमारी है नहीं, थी, क्या थी, बीमारी थी। कौन सी, स्मॉल पॉक्स, जो रेस्पिरेटरी इलनेस बड़ी खतरनाक बीमारी थी, ठीक है, जो क्या मोस्ट सीवियर थी। कैसी, मोस्ट सीवियर, कैसी बीमारी थी, मोस्ट सीवियर बीमारी थी। कौन सी, स्मॉल पॉक्स, तो ये कौन सी बीमारी, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होती है। कौन सी, और जो क्या है, मोस्ट सीवियर डिजीज के अंदर आती है। क्लियर, अब इसको क्या है, स्मॉल पॉक्स को ब्लड से एरिगेट कर दिया गया, स्मॉल पॉक्स एरिडिकेटेड इन ब्लड से स्मॉल पॉक्स को क्या है, एरिगेट कर दिया गया। वो फर्दर डिटेल आगे पढ़ेंगे हम कि कब किया, लास्ट डेट, लास्ट केस कब मिला इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर लास्ट कब केस मिला। क्लियर, तो स्मॉल पॉक्स पे रखना, वर्ल्ड से क्या है, एरिगेट कर दिया गया है कि बीमारी वर्ल्ड के अंदर नहीं है। क्लियर, ये हमने जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा इसके बारे में। अब हम आगे चलते हैं कि इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, तो स्मॉल पॉक्स होता है, इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं कि स्मॉल पॉक्स का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। अभी बताया था मैंने इसको बेरियोला नाम जानते हैं, जो कौन, तो इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, बेरियोला वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कौन सा वायरस होता है, डीएनए वायरस होता है। कौन सा वायरस होता है, अपना डीएनए वायरस होता है, ये दिमाग फटफटा करना। उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, बेरियोला वायरस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। बेरियोला वायरस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जो कौन सा वायरस होता है, डीएनए वायरस होता है। क्लियर, ये बेरियोला दो टाइप में होता है, एक तो मेजर होता है, एक माइनर होता है। कौन सा, एक तो मेजर होता है और एक माइनर होता है। कौन, दो टाइप होता है, एक तो मेजर होता है, एक माइनर होता है। जो मोस्ट डेंजर कौन सा है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट डेंजर है मेजर। क्लियर, और रेयर है लेस डेंजर। अगर बात आती है मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट डेंजर, मोस्ट कॉमन है, मोस्ट डेंजर कौन सा है, वो मेजर वाला है। क्लियर, और वही बात करता हूं मैं माइनर की, तो क्या लेस कॉमन एंड लेस डेंजर, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा कॉमन ज्यादा होता है, कौन सा कॉमन कम होता है। क्लियर, तो मेजर की बात की तो कौन सा है, मोस्ट कॉमन है और मोस्ट डेंजर है। क्लियर, अब वही बात की मैंने माइनर की बात की, तो क्या है, लेस कॉमन है और लेस डेंजर है। यहाँ जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। स्मॉल पॉक्स को बेरियोला नाम जानते हैं, रेड प्लेग के नाम से जानते हैं। स्मॉल पॉक्स को एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस होती है, ये इसको ब्लड से एरिगेट कर दिया गया है
और कोजेड ओरिजिन क्या है, इसका वेरियोला ऑफ वायरस था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कौन सा वायरस होता है, डीएनए वायरस होता है। क्लियर? अब उसके बाद पढ़ते हैं ये कौन से जीन का होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका कम्युनिकेशन पीरियड कितना होता है, रूट ऑफ एंट्री क्या होती है, रूट ऑफ एंट्री कौन सा होता है। क्लियर? अब बात करते हैं कि कौन सी फैमिली होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फैमिली जो स्मॉल पॉक्स है वो कौन सी फैमिली का है, तो कौन सी फैमिली का है, पॉक्स ब्रीडी, कौन सी फैमिली का, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कौन सी फैमिली का है, पॉक्स ब्रीडी फैमिली का होता है, कौन, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद बात करते हैं इसका जीन कौन सा होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जीन ऑफ द स्मॉल पॉक्स पूछा हुआ सवाल, याद रखना कौन सा है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, कौन सा वायरस है, ऑर्थोपॉक्स वायरस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जीन कौन सा है, ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है, किसका, स्मॉल पॉक्स का, कौन सा वायरस, ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है। फैमिली कौन सी, हमने देखा पॉक्स ब्रीडी नाम से फैमिली है। क्लियर? और बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इंक्यूबेशन पीरियड, कि इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है स्मॉल पॉक्स का, आपको चीज जब समझ में आएगी जब पिछली वीडियो पूरी देखोगे कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग से सब चीज पढ़ाई हुई है। क्लियर? आपको ये चीज आगे तक समझ में आई, पूरी वीडियो पिछली देखते हुआ हो। क्लियर? क्योंकि मैं क्रम बाई पढ़ा रहा हूँ आपको। क्लियर? बात आती है इंक्यूबेशन पीरियड, तो इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 17 days, 7 से 17 दिन का क्या इंक्यूबेशन पीरियड बात कर होता है, और मैं एवरेज की बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एवरेज की बात करता हूँ तो 12 days, एवरेज कितना होता है 12 दिन का। क्लियर? इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड की बात की तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 7 से 17 दिन का, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, और एवरेज की बात की तो कितना 12 days, 12 दिन का क्या है इंक्यूबेशन पीरियड होता है। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं किसी कम्युनिकेबल पीरियड की, किसकी, कम्युनिकेबल पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड की बात करूं अगर मैं, तो कम्युनिकेबल पीरियड कब होता है, तो कम्युनिकेबल पीरियड कब होता है, तो ड्यूरिंग प्रोड्रोमल, ड्यूरिंग प्रोड्रोमल स्टेज, जो फर्स्ट स्टेज प्रोडोम बताई थी, फर्स्ट स्टेज होती है उसके दौरान जो पीरियड होता है वो प्रोडोमल स्टेज होती है, उस टाइम क्या है कम्युनिकेबल पीरियड हमको देखने को मिलता है, कब, ड्यूरिंग प्रोडोमल स्टेज के टाइम पे कम्युनिकेबल पीरियड हमको देखने को मिलता है। और बात करते हैं रूट ऑफ एंट्री कौन सा है इसका, कैसे इंपॉर्टेंट चीज, देखिए हमने पढ़ा फैमिली पॉक्स वेरिडी है, जीन कौन सा है, ऑर्थोपॉक्स वायरस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, इंक्यूबेशन पीरियड था 7 to 17 days, एवरेज बताया 12 days का, 12 दिन का क्या है इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, 12 दिन का क्या है इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और कम्युनिकेबल पीरियड की बात की तो कितना है ड्यूरिंग प्रोडोमल स्टेज के टाइम पे, जो प्रोडोमल स्टेज होती है इतना उसका क्या कम्युनिकेबल पीरियड, कम्युनिकेबल मतलब क्या होता है 1% to another% ट्रांसफर होना, इज कॉल्ड कम्युनिकेबल पीरियड। क्लियर? उसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन किस तरीके से ये फैलता है। क्लियर? चीजों को साथ साथ क्लियर करते चलिए, अब बात करते हैं किसकी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि इसका मोड क्या है ट्रांसमिट होने का, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, तो मैंने हमेशा बताया था, बताया हुआ है, मैं एयरबोर्न डिजीज पढ़ा रहा हूं, तो एयरबोर्न एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियर, कौन सा है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियर, तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयरबोर्न है, एयरबोर्न और ड्रॉपलेट न्यूक्लियर क्या है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। क्लियर? और बात करता है किसको अफेक्ट करता है, एज की बात करते हैं हम, तो अफेक्ट मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन, मोस्टली अफेक्ट चिल्ड्रन, मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, बट
may affect any age, but may affect any age, very important चीज कि mostly affect किसको करता है, children को करता है, लेकिन कोई सी भी एज को affect कर सकता है, clear? यहाँ चीजें हमने mode of transmission पढ़ा, airborne, droplet, nucleus, उसके बाद एज पढ़ी हमने, कौन सी एज को ज्यादा होता है, mostly affect children and but may affect any age, कि ये कोई सी एज को अफेक्ट कर सकता है, mostly किसको करता है, children को करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वो होता है सीजन, कि कौन से सीजन में मोस्टली होता है। अगर मैं सीजन की बात करता हूँ तो सीजन कौन सा सीजन होता है, वो होता है विंटर सीजन, कि विंटर सीजन के अंदर क्या है, मोस्टली फैलता है, क्लियर? यहाँ तक हमने पढ़ा सीजन, पढ़ा एज, पढ़ा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पढ़ा इंक्यूबेशन पीरियड, पढ़ा कम्युनिकेशन पीरियड, पढ़ा इसकी फैमिली पढ़ी, उसके बाद हमने इसके बारे में क्या पढ़ा, कम्युनिकेबल पीरियड, वेरी इंपॉर्टेंट। अब पढ़ते हैं इसके साइन एंड सिम्टम, कि इस डिजीज के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं, क्लियर? साइन एंड सिम्टम किसकी बात करते हैं हम, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम, साइन एंड सिम्टम को हम दो चीजें बांटते हैं, एक तो लेट सिम्टम की बात करते हैं और करते हैं लेट सिम्टम की बात करते हैं, और मैं बात करता हूं किसकी, अर्ली सिम्टम हमको क्या देखने को मिलते हैं, कि अर्ली सिम्टम हमको स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या क्या देखने को मिलता है, तो क्या है, फीवर देखने को मिलेगा पेशेंटर्स को, क्या है, फीवर देखने को मिलेगा, हेडेक, पेशेंट को क्या है, हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, पेशेंट को बुखार आएगा, सर में दर्द होगा, क्लियर? बैक एक, पीछे क्या है, पेन होगा, क्या है, बैक एक होगा, दर्द होगा, और पेशेंट को क्या है, नोजिया वोमिटिंग, क्या है, नोजिया एंड वोमिटिंग, पेशेंट को क्या है, उल्टिया और उल्टी जैसी फीलिंग आने लगेगी, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, उसको क्या है, कन्वर्जन भी आते हैं, कन्वर्जन, क्लियर, कन्वर्जन, फिट्स वगैरह, सीजर वगैरह पेशेंट को आने लगते हैं। तो अर्ली सिम्टम क्या, फीवर, हेडेक, बैकएक, नोजिया, वोमिटिंग एंड कन्वर्जन। और मैं वही बात करता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि लेट सिम्टम, ये तो हमने पढ़ा किसके बारे में, अर्ली सिम्टम। अब मैं बात करता हूँ एक सिम्टम देखने को मिलता है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट चीज की बात करता हूँ, लेट सिम्टम, लेट सिम्टम, कि हमको लेट सिम्टम क्या देखने को मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कि इसके अंदर किस टाइप के मैक्यूल पेपुलरिस देखने को मिलते हैं, तो याद रखना कैसे, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज, कि चिकन पॉक्स, सॉरी स्मॉल पॉक्स के अंदर आपको क्या, सेंट्रीफ्यूगल देखने को मिलते हैं, कैसे, मैक्यूल पेपुलरिस से देखने को मिलते हैं, कैसे, मैक्यूल पेपुलरिस, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि सेंट्रीफ्यूगल टाइप के हमको रेसेस देखने को मिलते हैं, किसके अंदर, स्मॉल पॉक्स के अंदर, क्लियर। और बात करते हैं कि जो ये रेसेस है वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना कि रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, मैं बात करता हूँ कि रेसेस की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूँ, कि रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते हैं, कि रेसेस डिस्ट्रीब्यूट कैसे होते, किस किस को अफेक्ट करते हैं, किस किस को अफेक्ट नहीं करते, तो सबसे पहले चीज हमने पढ़ा सेंट्रीफ्यूगल होता है, क्लियर। और वही बात करते हैं फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिलता है, तो फर्स्ट रेसेस वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट रेसेस अपीयर ऑन फोरहेड देन स्प्रेड ऑफ बॉडी। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्स्ट रेसेस कहां देखने को मिलते हैं, तो कहां देखने को मिलते हैं, फोरहेड पर देखने को मिलते हैं, कौन से, सेंट्रीफ्यूगल टाइप के मैक्यूल पेपुल, दिमाग पे पिट पड़ा हुआ सेंट्रीफ्यूगल टाइप के देखने को मिलते हैं, देन स्प्रेड ऑफ, फिर स्प्रेड हो जाते हैं पूरी बॉडी, मतलब पूरी बॉडी पर फैल जाते हैं, क्लियर। पहले कहा होगा फोरहेड पे होगा, फोरहेड पे होने के बाद पूरी बॉडी को, बॉडी पे पूरे से देखने को मिलते हैं, क्लियर। और वही बात करता हूं कि मोस्टली रेसेस कहां देखने को मिलते हैं,
कि मोस्टली रेसेज हमको देखने को कहाँ मिलते हैं, मोस्टली रेसेज इन बोनी प्रोमिनेंस, कहाँ देखने को मिलते हैं, बोनी प्रोमिनेंस वाले एरिया पर हमको क्या है मोस्टली देखने को मिलते हैं प्रोमिनेंस। देखिए बोनी मोस्टली रेसेज कहाँ देखने को मिलते हैं, बोनी प्रोमिनेंस के, प्रोमिनेंस के वहां पर देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, पाम एंड सोल इज इन्वॉल्व, पाम एंड सोल इज इन्वॉल्व, हमको क्या है पाम एंड सोल, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, पाम एंड सोल इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अगर सेंट्रीपेटल आता है, क्या था सेंट्रीपेटल जो किसके अंदर पढ़ेंगे हम, चिकन पॉक्स के अंदर पढ़ेंगे, किसके अंदर पढ़ेंगे चिकन पॉक्स के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर क्या है वहां जस्ट इसका उल्टा होता है, वहां पर क्या है सोल है, पाम एंड सोल क्या इन्वॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स के अंदर क्या है ये सोल एंड पाम क्या है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है एक्जिला इज नॉट इन्वॉल्व, एक्जिला इज नॉट देखने को मिलते हैं। क्लियर, ये चीज दिमाग को फटफटा लेना, स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स से बहुत बड़ा डिफरेंस पड़ता है, यहीं पर डिफरेंस पड़ता है, सेंट्रीपेटल देखने को मिलता है, सेंट्रीपेटल की बात आती है, पेटल की बात आती है तो किसके अंदर आता है चिकन पॉक्स के अंदर आता है, किसके चिकन पॉक्स के अंदर आता है, क्लियर। लेकिन फ्यूगल की बात की तो फ्यूगल किसके अंदर आता है स्मॉल पॉक्स के अंदर आता है, लेकिन मोस्टली देखने को बोनी प्रोमिनेंस एरिया पर देखने को मिलते हैं। पाम एंड सोल क्या है इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन एक्जिला इज नॉट इन्वॉल्व, एक्जिला इन्वॉल्व नहीं होती, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से सवाल बना हुआ है और डीप रेसेस क्या अपीयर होने लगते हैं, क्लियर। अगर मैं बात करता हूं अदर सिम्टम की, हमको और क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, क्लियर, अगर मैं बात करूं कि अदर सिम्टम हमको और क्या क्या देखने को मिलते हैं, अदर सिम्टम कि हमको अदर सिम्टम क्या देखने को मिलते हैं, तो बेसिकल मल्टीओकुलर देखने को मिलते हैं, बेसिकल कैसे देखने को मिलते हैं, बेसिकल मल्टी ऑक्युलर कि जो बेसिकल है वैसा ही अलग, वो किस तरह के मल्टीओकुलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, स्कैल फोर आफ्टर 10 टू 14 डेज, देखिए स्कैब हमको 10 से 14 दिन के बाद देखने को मिलते हैं, जो स्कैब बन जाते हैं बॉडी के ऊपर वो हमको कब देखने को मिलते हैं 10 से 14 दिन के बाद देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, फीवर सबसाइड आफ्टर रेसेज अपीयर, फीवर सबसाइड आफ्टर रेसेज अपीयर, फीवर सबसाइड कब होता है रेस अपीयर होने के बाद, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि फीवर कब सबसाइड होता है रेस अपीयर होए तो फीवर क्या है सबसाइड होने लगता है, क्लियर। और बात करते हैं जो सीवियर केस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इन सीवियर केस कैन कॉज हेमरेज, अगर सीवियर केस क्या करवा सकते हैं इसके अंदर बॉडी के अंदर हेमरेज करवा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि सीवियर केस के अंदर क्या हो जाता है हेमरेज होने लगता है। अदर सिम्टम की बात की बेसिकल मल्टीओकुलर देखने को मिलते हैं, स्कैब फॉर आफ्टर जो स्कैब होते हैं 10 से 14 दिन बाद देखने को मिलते हैं, फीवर सबसाइड हो जाता है कब आफ्टर रेस अपीयर होने के 10 से 14 दिन सॉरी रेस अपीयर होने के बाद फीवर क्या सबसाइड हो जाता है, और सीवियर केस के अंदर हमको क्या है हेमरेज देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा हेमरेज देखने को मिलता है, क्लियर। उसके बाद मैं बात करता हूं डायग्नोसिस की, हमको डायग्नोसिस क्या क्या देखने को मिलता है,
डायग्नोसिस हम क्या करते हैं, डायग्नोसिस के अंदर बात करता हूं तो हम क्या करते हैं, स्किन बायोप्सी करते हैं। क्या करते हैं? स्किन बायोप्सी। कैंसर होता है उसका, कैंसर होता है उसका कंफर्मेटिव साइन भी क्या होता है, स्किन बायोप्सी होता है। स्किन बायोप्सी में उनका गुनेरी बॉडी देखने को मिलती है। कैसी बॉडी? वेरी इंपॉर्टेंट जी, गुनेरी बॉडी हमको क्या है देखने को मिलती है, ठीक है, गुनेरी बॉडी देखने को मिलती है। उसके टेस्ट हम क्या करते हैं, एलिजा टेस्ट भी करते हैं। इसके अंदर क्या टेस्ट करते हैं, एलिजा करते हैं, पीसीआर करते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जो ट्यूबरक्लोसिस उसका पूरा पढ़ाया हुआ है मैंने। पीसीआर की खोज किसने की, एलिजा क्या है, ट्यूबरक्लोसिस वाले वीडियो आप देख सकते हैं, क्लियर। अगर बात आती है कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट चीज, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस, हमको कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या देखने को मिलेगा, किसके अंदर, स्मॉल पॉक्स के अंदर। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, कल्चर ऑफ वेरियोला, क्या है, कल्चर करते हैं किसका, वेरियोला, ऑन वेरियोला, वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि कल्चर इज द कंफर्मेटिव डायग्नोसिस ऑफ किसका, स्मॉल पॉक्स का, क्लियर। यहाँ पर डायग्नोसिस कंप्लीट होता है, कल्चर ऑन वेरी, कल्चर देखते हैं, कल्चर करते हैं किसका, वेरियोला वायरस का, क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, किसकी बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। डायग्नोसिस सवाल इतना बनता नहीं है, इतना डीपी में ज्यादा पढ़ाया नहीं है, क्लियर। अब बात करते हैं हम किसकी, मैनेजमेंट की, किसकी बात करते हैं, कि हम इसके अंदर क्या 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 मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो पहला मैनेजमेंट करते हैं वो प्रोफाइल एक्सेस मैनेजमेंट, प्रोफाइल एक्सेस मैनेजमेंट करते हैं। प्रोफाइल एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर बात करते हैं तो पहला क्या है, एयरबोर्न, तो एयरबोर्न करते हैं, मतलब एयरबोर्न मतलब क्या है, कम्युनिकेबल बीमारी है तो एयरबोर्न के थ्रू फैलती है, तो एयरबोर्न किसी पर्सन को नहीं फैले तो इसको पेशेंट को क्या आइसोलेट कर देते हैं, क्लियर। तो एयरबोर्न से प्रिकॉशन करते हैं। उसके बाद करते हैं वैक्सीनेशन, क्या है वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन कि कौन सी वैक्सीन लगाते हैं, कि कौन से रूप से लगाते हैं। और बात करते हैं वैक्सीन तो कौन सी है, वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है, कौन सी वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन होती है। अगर रूट की बात करें, ड्रॉप, तो रूट की बात करता हूं मैं, रूट कि इसका रूट कौन सा है, ड्रॉप Applied on precaution, रूट क्या है, precaution के लिए हम drop को क्या है apply करते हैं। और age की बात करते हैं कि कौन सी age के अंदर देते हैं, तो before 12 month क्या हम इसको smallpox को देते हैं, vaccination smallpox देते हैं, रूट drop applied on precaution यूज करते हैं, और before 12 month 12 महीने से पहले इसका देते हैं, क्लियर। यहाँ पर हमारा मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। और बात करते हैं स्मॉल पॉक्स को, थोड़ा इंपॉर्टेंट एक नोट डालिए कि स्मॉल पॉक्स की खोज किसने की, कि स्मॉल पॉक्स डिस्कवर हुई, या नोट है, नोट डालिए, स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किसने किया था, तो किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने, किसने किया था, एडवर्ड जेनर नाम से भाई साहब थे, साइंटिस्ट थे, कौन, एडवर्ड जेनर नाम से भाई साहब थे, उन्होंने क्या स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किया था। और बात आती है कब किया था, 1796 के अंदर इसको क्या डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। इसको हम क्या फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं। और बात करते हैं कि सबसे पहले किसके अंदर इसने खोज की थी, तो स्मॉल पॉक्स की खोज की थी, फर्स्ट वैक्सीन जो किसके अंदर की थी, काऊ लीजन के, काऊ के ऊपर इसको किसने क्या किया था, खोज की थी, किसकी, स्मॉल पॉक्स की थी, फर्स्ट वैक्सीन, वेरी इंपॉर्टेंट जी, फर्स्ट वैक्सीन कौन सी है, वो है स्मॉल पॉक्स, जिसकी काऊ लीजन के अंदर इसने क्या किया, खोज की थी, क्लियर। अगर बात करते हैं कि वैक्सीनेशन वर्ड, जो वैक्सीनेशन वर्ड है वो किसने, जो वैक्सीनेशन टर्म है कौन सी, वैक्सीनेशन
टर्म कि वैक्सीनेशन टर्म किसने दी थी, तो एक लुईस पाश्चर नाम से साइंटिस्ट है, उसने क्या वैक्सीनेशन नाम से टर्म दी थी। क्लियर। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, इसके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट इसका क्या है कि स्मॉल पॉक्स का फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के एडवांस जनरल ने 1796 में खोज किया था। फादर ऑफ वैक्सीनेशन बोलते हैं स्मॉल पॉक्स को, काउ लीजन के अंदर दिया था, तो जो फर्स्ट वैक्सीन है वो वैक्सीनेशन टर्म किस लिए था, लुईस पाश्चर के नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। क्लियर। अब बात करते हैं किसकी इसका मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर बात की तो फिर क्या करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कि फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं। क्लियर। और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंदर बात करता हूं तो फीवर के लिए हम कौन सी टेबलेट देते हैं, फीवर आ रहा है तो कौन सी पैरासीटामोल डर देते हैं, कौन सी डर देते हैं पैरासीटामोल डर देते हैं। और फिर अगर मान लो स्मॉल पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स के लिए हम कौन सी डर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो कौन सी देते हैं सीडोफोबी, सीडोफोबी नाम से डर आती है, सीडोफोबी को हम स्मॉल पॉक्स के अंदर यूज करते हैं। क्लियर। यहाँ पर इसका फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट कंप्लीट होता है। अगर उसके बाद बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन, इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलते हैं, पेशेंट अंदर क्या होता है निमोनिया हो जाता है, क्या हो जाता है निमोनिया हो जाता है किसके अंदर, पेशेंट के अंदर क्या निमोनिया हो जाता है। क्लियर। और एंसेफेलाइटिस हो जाता है, क्या हो जाता है एंसेफेलाइटिस, एंसेफेलाइटिस हो जाता है और ब्लाइंडनेस हो जाती है, कैसे जाती है ब्लाइंडनेस, इंसान अंधा हो सकता है। क्लियर। क्योंकि बीमारी थी, है नहीं थी, बड़ी खतरनाक थी। क्लियर। तो फीवर के लिए पैरासीटामोल देते हैं, स्मॉल पॉक्स के लिए सीडोफोबिड देते हैं। क्लियर। कॉम्प्लिकेशन बात की तो निमोनिया होता है, एंसेफेलाइटिस होता है और ब्लाइंडनेस, ये तीन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि इसको एरिग्रेट कब किया वर्ल्ड ने, इंडिया के अंदर कहां केस आया था, लास्ट केस वर्ल्ड के अंदर कहां आया था, इससे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं क्योंकि ये सवाल तो पुराने हो गए ये वाले, अब जो सवाल बनते हैं उसकी हिस्ट्री से बनते हैं कि हिस्ट्री क्या है स्मॉल पॉक्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज कि स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री क्या है। क्लियर। और मैं बात करता हूं हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स, हिस्ट्री ऑफ स्मॉल पॉक्स कि स्मॉल पॉक्स की हिस्ट्री क्या है। क्लियर। तो लास्ट केस इंडिया के अंदर कहां देखा था, वेस्ट बंगाल के अंदर, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो कहां देखा गया था, वेस्ट बंगाल के अंदर, कहां देखा गया था, वेरी इंपॉर्टेंट जी, कहां देखा गया था, वेस्ट बंगाल के अंदर देखा गया था। तो कब देखा, 24 मई 1975, 24 मई 1975, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर कहां देखा गया था, लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया, वेस्ट बंगाल, 24 मई 1975। तो इंडिया फ्री स्मॉल पॉक्स कब हुआ था। क्लियर। इंडिया फ्री स्मॉल पॉक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों चारों लाइन जो लिखाऊंगा एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम सवाल पूछा हुआ है, कोई चीज को बता लेना उसमें सवाल पूछा हुआ है। क्लियर। इंडिया फ्री स्मॉल पॉक्स, तो 5 जुलाई 1975 कब हुआ था, 5 जुलाई 1975। देखिए लास्ट केस देखा है वेस्ट बंगाल के अंदर। क्लियर। 24 मई को देखा गया 1975 में, लेकिन फ्री कब हो गया, 5 जुलाई 1975 के अंदर। क्लियर। अब वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस कब देखा था, बात करते हैं वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस कि वर्ल्ड के अंदर हम लास्ट केस की बात करें तो कहां देखा गया था, सोमालिया नाम, 26 अक्टूबर 1977 के अंदर, कहां, सोमालिया, सोमालिया नाम से कंट्री है, वहां पर क्या है इसका लास्ट केस देखा था वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड लास्ट केस 26 अक्टूबर को 1977 के अंदर देखा गया था। स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड WHO ने एरेडिकेट कब कर दिया वर्ल्ड से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्लियर। स्मॉल पॉक्स एरेडिकेट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड WHO, किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा,
कब किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 8 मई 1980, 8 मई 1980 के अंदर क्या है, 1980 के दशक को वर्ल्ड के अंदर क्या एरेगेट कर दिया गया था। क्लियर, स्मार्ट बॉक्स एरेगेट फ्रॉम वर्ल्ड वॉर WHO 8 मई 1980। देखिए लास्ट केस ऑफ स्मार्ट बॉक्स इंडिया के अंदर वेस्ट बंगाल के अंदर देखा गया था 24 मई 1975 के अंदर। उसके बाद इंडिया फ्री स्मार्ट बॉक्स 5 जुलाई 1975 के अंदर क्या है, स्मार्ट बॉक्स को इंडिया के अंदर फ्री हो गया था। वर्ल्ड के अंदर लास्ट केस की बात करता हूं तो 26 अक्टूबर 1977 के अंदर। क्लियर, और वही बात करते हैं कि इंडिया के अंदर एरिगेट कब किया गया था। इंडिया के अंदर बात करते हैं एरिगेट फ्री तो कब हुआ था, 5 जुलाई, और इंडिया के अंदर एरिगेट की बात करता हूं कि कब हुआ था, कौन सा हुआ था, 1977 के अंदर एरिगेट कर दिया गया था इंटरनेशनल कमीशन के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फ्री स्मार्ट बॉक्स 5 जुलाई 1975, वर्ल्ड लास्ट केस 26 अक्टूबर 1975 के अंदर सोमलिया के अंदर देखा गया था, वहीं पर 1977 के अंदर क्या किया गया था आपको, इंडिया को रेडिएट कर दिया गया था स्मार्ट बॉक्स को इंडिया के अंदर से। क्लियर, स्मार्ट बॉक्स को रेडिएट वर्ल्ड वाइड WHO 8 मई 1980 के अंदर क्या इसको एरिगेट कर दिया गया था, क्योंकि 3 साल के बाद, अगर 3 साल का वेट करते हैं, 3 साल के होने के बाद उसको क्या इंडिया से वर्ल्ड से रेडिएट कर देते हैं। अगर कोई बीमारी का लास्ट केस दे गया, लास्ट केस फ्री हो गया, उसके 3 साल बाद उसको क्या है वर्ल्ड से रेडिएट कर दिया जाता है। क्लियर, आपको आई हो पूरे स्मार्ट बॉक्स समझ आएगा, मैंने बहुत ही कम समय में स्मार्ट बॉक्स को आपको समझाने की कोशिश की। क्लियर, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, वो होगी चिकन पॉक्स। क्या होगी, चिकन पॉक्स। फर्दर नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज को पढ़ेंगे, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।